ब्रजभूमि के आप सभी निवासियों को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। कुशल प्रशासक, परम प्रतापी महाराजा सूरजमल को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। अब से ठीक एक हफ्ते बाद राजस्थान में मतदान होने वाला है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार आ रही है। भाजपा सरकार, कुछ लोग यहां खुद जादूगर कहते हैं, अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। साथियों, मैं आज सबसे पहले राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को, यहां के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि राजस्थान भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। और आपसे किए ये वायदे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की भी गारंटी है। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। मान रही है कि नहीं मान रही है? भारत का लोहा मान रही है कि नहीं मान रही है? हम दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन चुके हैं और बहुत ही जल्द भारत 3रे नंबर की आर्थिक ताकत के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करेगा।
भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश पहुंच नहीं पाया। भारत में ऐतिहासिक G20 सम्मेलन हुआ जहां पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। आपको लगता है आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ रहा है? आपको लगता है? लगता है तो बताइए, लगता है? सचमुच में लगता है? दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है? ये सब किसके कारण हो रहा है? 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 आपका जवाब पूरी तरह गलत। जी नहीं, ये मोदी के कारण नहीं, बल्कि ये कमाल आपका एक वोट कर रहा है, ये आपके कारण हो रहा है। क्योंकि आपने एक वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई, इसलिए आज भारत हर मैदान में जीत रहा है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ, क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है, और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है, हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो,
रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टिकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? एक मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाइयों और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो, डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। क्या भाषा बोलते हो आप? क्या राजस्थान के मर्द जो इस मिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले शौर्य से भरपूर यहां के मर्द होते हैं, यहां के मर्द बहन बेटी की इज्जत की जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं? बेटियों की इज्जत के लिए मरने मिटने में कोई जो मर्द है वो पीछे नहीं रहता। लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री ये कहें कि तो मर्दों का देश प्रदेश है और इसलिए बहनों को जुल्म होता रहता है। अरे, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इस राजस्थान के मर्दों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? यहां की माताओं बहनों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या राजस्थान की कोई भी मां, बहन, बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय
इनाम दे दिया है, टिकट दिल्ली वाले भी इससे सहमत हो गए और इसलिए दिल्ली में बैठे लोग वे भी इस बात से सहमत हो गए, इस पाप से सहमत हो गए और इसीलिए उनको टिकट दे दिया। सवाल ये उठता है कि जादूगर के एक प्रिय मंत्री के पास वो कौन सी दूसरी लाल डायरी है कि दिल्ली को भी झुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हर नेता को इस मंत्री की सच्चाई का पता है, लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकारी है, सब उससे कांपते हैं, टिकट दे दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथियों, राजस्थान से कांग्रेस को सदा सर्वदा के लिए हटाने की जरूरत है और हटाने का मतलब सिर्फ आपकी विधानसभा में उसका पराजय हो जाए इतना नहीं है। जैसे दिवाली के त्योहारों में वैसे तो हमारी माताएं बहनें घर में सफाई रोजाना करती है, लेकिन दिवाली के समय कोने कोने से छोटी छोटी जगह से भी इतनी सफाई करती है, घर को चमका देती है। जैसे दिवाली के त्योहार में माताएं बहनें हर कोने की सफाई करती है ना, ये चुनाव भी वो दिवाली है, हमने ऐसी सफाई करनी है। किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? तब तो देव दिवाली ऐसी मनेगी। साथियों, कांग्रेस के शासन में दलितों के खिलाफ भी अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। मैं एक सबसे ताजा उदाहरण आपको देता हूं। अभी हाल में ही देश को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उनका नाम है हीरालाल सामरिया जी। ये दलित मां का बेटा हीरालाल, ये आपके इसी डीग गांव के रहने वाले हैं। ये डीग थोड़े समय पहले तक भरूची, ये हमारे भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलित अधिकारी की नियुक्ति भी पसंद नहीं आई। इसके लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसका भी कांग्रेस ने बायकॉट किया। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती। ये वही कांग्रेस है जिसने रामनाथ कोविंद जी का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब आम्बेडकर को हमेशा अपमानित किया। कांग्रेस ने दो दो बार बाबा साहब को चुनाव में हराया।
उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की, जबकि ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। बाबा साहब के बाद दशकों दूसरा दलित कानून मंत्री भी भाजपा ने ही बनाया है, हमारे राजस्थान के ही अर्जुन राम मेघवाल जी आज देश के बड़े बड़े कानूनों को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है, जो कुछ है सब आप ही हैं मेरे लिए। मेरा संकल्प है हर गरीब दलित पिछड़े हर परिवार तक जीवन की मूल सुविधाएं पहुंचे, कोई भी जरूरतमंद सरकार की योजना से वंचित न रहे। इसके लिए देश में अब भारत सरकार आपके गांव आ रही है। 15 नवंबर से देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। भरतपुर के गांव गांव से भी चुनाव के बाद ये यात्रा गुजरेगी। पीएम आवास हो, गैस कनेक्शन हो, जल से के लिए पानी की व्यवस्था हो, इलाज का प्रबंध हो, बीमा हो, पेंशन का प्रबंध हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ जिन्हें अब तक पहुंचा नहीं है उनके लिए सुविधाएं पाने का ये नया अवसर सरकार आपके घर आंगन आकर के देने के लिए योजना मोदी लेकर के आया है। साथियों, ये इतिहास गवाह है, हर पल गवाह है, हर इलाका गवाह है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो हर लाभार्थी तक पहुंचती है, 100% लाभार्थी तक पहुंचती है। मोदी ने आपके राशन कार्ड को भूख से मुक्ति का गारंटी कार्ड भी बना लिया। किसी भी गरीब परिवार को रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बेटा, आपका ये भाई दिल्ली में आपका सेवक बनकर के बैठा है। मोदी ने तय किया है कि मुफ्त राशन की योजना, आप सबको याद होगा जब कोविड की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, मौत मंडरा रही थी, अस्पतालों में मरीज से ज्यादा मृतदेह नजर आते थे, परिवार भी चिंता में दबे हुए थे, अगर मां बीमार है तो बेटे को कहती थी, बेटा मेरे कमरे में मत आना, जो होगा सो होगा। बेटा बीमार होता था तो मां को कहता था, मां मैं सहन कर लूंगा, तुम कमरे में मत आना, कहीं तुम्हें बीमारी न लग जाए। हर परिवार में मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वैसी हालत हो गई थी। कौन बचेगा, कौन चला जाएगा, भय का वातावरण था, दुनिया थप पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर मुसीबतें आई थी। और तब ये मोदी जो गरीब की मां से
बेटे के रूप में जब आपकी सेवाओं में बैठा है, उसने सोचा कुछ भी हो जाए गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न सो जाए, मेरी कोई मां बच्चों की भूख देख करके आंसू पीकर रह न जाए, इसलिए हमने निर्णय किया था, अन्न के भंडार खोल दिए थे, मुफ्त राशन दिया था, हर परिवार को मुफ्त राशन देना शुरू किया। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी ने संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल तक चालू रहेगी। अब किसी परिवार को भोजन की थाली की चिंता नहीं रहेगी, इतना बड़ा पवित्र कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे बताइए भैया, राजस्थान के लोग तो वीरता से भरे हुए लोग हैं, जब ऐसा काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताइए, माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अब 5 साल के लिए गरीब के घर में चूल्हा जलता रहेगा, बच्चे को रोटी मिलेगी, क्या पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य आपको मिलेगा, ये पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने वोट देकर के मोदी से ये पवित्र काम करवाया है, और इसलिए ये पुण्य के अधिकारी आप हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी भी देखिए कमाल की पार्टी है, गरीब को मुफ्त राशन से कांग्रेस बहुत तिल मिलाई हुई है, गुस्से में है, और इसलिए कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को जाकर के मेरे खिलाफ इतनी बड़ी चिट्ठी देकर के आ गई है, अदालत में जाने के धमकियां दे रही है। अरे गरीब के रोटी खिलाने में जेल भी जाना पड़े तो क्या होता है जी, चले जाए। साथियों, राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए मिल रहे हैं, 6,000 केंद्र के और 6,000 राज्य के। राजस्थान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आपको ये भी वादा किया है, जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, राजस्थान के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद आपके पशुधन के टीकाकरण के अभियान को भी तेज किया जाएगा। आपको याद होगा कोविड के समय टीकाकरण का अभियान चलाया, 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए, दुनिया आंकड़ा सुनकर के भी हैरान हो जाती है, 200 करोड़ डोज मुफ्त में आपका टीकाकरण हुआ था कि नहीं हुआ था? हर किसी को मुफ्त में टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, और इसलिए ये काम भी कर दिया। अब वैसे ही पशु को मुफ्त टीकाकरण का अभियान चल रहा है,
जैसे ही बीजेपी की सरकार यहां बनेगी, राजस्थान में भी ये लागू हो जाएगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने राजस्थान को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। आपने देखा है कि जयपुर में कैसे लॉकर से काली कमाई और लूट का सोना निकल रहा है। सोना निकल रहा है, मालूम है ना आपको? आमतौर पर किसी को कहते हैं भाई एग्जाम कैसी गई, बोले मेहनत तो की थी, बाकी तो लक पर है। चुनाव में भी किसी कैंडिडेट को आप वो पूछोगे तो कहता है मेहनत तो अच्छी की है, लोगों का प्यार भी है, लेकिन आखिर लक पर है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लक दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा दे करके लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है, ये पानी से जुड़ी योजनाओं में हुए घोटालों का पैसा है, ये बच्चों के मिड डे मील से लूटा हुआ पैसा है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर से कमाया हुआ पैसा है। कांग्रेस ने राजस्थान को जितना लूटा है उसकी गवाही आज यहां का हर कारोबारी दे रहा है। अब तो कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। लाल डायरी के चार पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लाल डायरी में एक बेटे का कबूलनामा भी है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उनमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान को खनन माफिया के हवाले कर दिया। यहां भी आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियों में क्या हुआ ये भरतपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप अवैध खनन का विरोध करते रहे, साधु संत विरोध करते रहे, लेकिन जो कांग्रेस खुद खनन माफिया हो वो आपकी आवाज भला कैसे सुनती। कांग्रेस के इस माफिया राज के कारण ही संत बाबा विजयदास जी को हमें खोना पड़ा, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भरतपुर की, पूर्वी राजस्थान की जनता कांग्रेस के माफिया राज को उखाड़ फेंकेंगी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की लूट नीति की वजह से यहां राजस्थान में महंगाई इतनी अधिक है, यहां दूसरे राज्यों से पेट्रोल भी इसलिए महंगा है क्योंकि यहां लुटेरी कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे कम कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार
दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। मैं राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर है ये आपको बताता हूं। पास में यूपी में एक लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास है। आपका उधर पड़ोसी गुजरात, गुजरात में एक लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। आपके ऊपर की तरफ आपका पड़ोसी हरियाणा, एक लीटर पेट्रोल 97 रुपये के आसपास। तीनों पड़ोसी 97 रुपये लीटर का पेट्रोल। और ये राजस्थान में देखिए कैसी लूट चली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार एक लीटर पेट्रोल का 109 रुपये के आसपास लेता है, यानी हर लीटर पर 12 रुपये आपके जेब से मारती है कांग्रेस। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, ये पूरा ब्रज क्षेत्र तो कान्हा की लीलाओं की भूमि है। पूरे ब्रज क्षेत्र के तेज विकास के लिए मैं राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हूं। 23 नवंबर को मैं संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती के कार्यक्रम पर मथुरा भी जा रहा हूं। यूपी में पहले ही भाजपा सरकार है और यहां भी 3 दिसंबर को भाजपा सरकार तय होने के बाद पूरे ब्रज का विकास तेज होगा। भरतपुर जिले को एनसीआर की तर्ज पर विस्तृत करने का रोड मैप सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास ही है। भाजपा सरकार ने ही भरतपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया, यहां चौड़ी सड़कों और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी की गारंटी भी भाजपा ही पूरी कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से ये पूरा क्षेत्र देश के औद्योगिक नक्शे पर अग्रणी बनते लगा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का खाका भी भाजपा ने खींचा था और इसे तेजी से पूरा भी भाजपा ही करेगी। मेरे परिवारजनों, आपने कांग्रेस की करारी हार सुनिश्चित कर दी है, लेकिन ये सीजन शादी ब्याह का भी है, तीज त्योहार का भी है। इसलिए ध्यान रखना कि मतदान सबसे पहले करना है। अच्छा, मैं एक बात आपसे बुलाऊंगा, आप लोग बोलेंगे बोलेंगे। अच्छा, अपना मोबाइल निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करेंगे। सब अपने मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मोबाइल फोन ऊपर कीजिए। सबकी फ्लैश लाइट चलनी चाहिए, हर किसी की। अपना मोबाइल फोन से फ्लैश लाइट निकालिए और मैं जो बोलूंगा आपको हाथ ऊपर करके बताना है। आपको क्या बोलना है मैं बताता हूं। मैं कमल चुनेगा राजस्थान, सुनिए। अरे उत्साही नौजवानों, पहले मेरी बात सुनिए। कमल चुनेगा राजस्थान, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो मैं बुलवाता हूं,
ब्रज भूमि की बढ़ेगी शान, ब्रज भूमि की बढ़ेगी शान, महाराजा सूरजमल का शौर्य महान, महाराजा सूरजमल का शौर्य महान, युवा शक्ति का होगा सम्मान, युवा शक्ति का होगा सम्मान, बहन बेटियों का बढ़ेगा मान, बहन बेटियों का बढ़ेगा मान, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, भरतपुर में बढ़ेगा पर्यटन का काम, भरतपुर में बढ़ेगा पर्यटन का काम। मेरे साथियों, इतनी बड़ी सभा हो गई और मैं राजनीति में ज्यादा समय संगठन का काम कर रहा हूं। मेरे जीवन के काफी वर्ष संगठन के काम में गए हैं, लेकिन अरे पहले सुनिए नौजवानों, अभी जरा 25 तारीख तक जरा ऊर्जा बनाए रखो। कभी कभी क्या होता है, चुनाव की सभाएं तो हो जाती है, लेकिन 11 बजे सुबह इतनी बड़ी सभा करना ये लोहे के चने चबाने का काम होता है। आप सब भी संगठन के यहां कार्यकर्ता हैं, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आज यहां के हर कार्यकर्ता को जी भर के बधाई देता हूं कि सुबह 11 बजे इतनी बड़ी सभा कर दी। ये बहुत बड़ा काम किया है आपने। मैं यहां के जनता जनार्दन का भी सर झुका करके नमन करता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूं जो लोग पेंडोल में है उससे ज्यादा बाहर धूप में तप रहे हैं, जो लोग धूप में तप रहे हैं मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो धूप में तप रहे हैं, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा, विकास करके लौटाऊंगा। अच्छा, अभी मतदान का एक हफ्ता बाकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि यार चारों तरफ वाहवाही है, इतनी बड़ी सभा हो गई, चलो अब कल तो मैच देखेंगे, फिर परसों सिनेमा देखने जाएंगे, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब थोड़े दिन सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना? कोई आराम नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, बूथ में जाओगे, सफाई का काम करोगे, कमल खिलाओगे, बूथ में जिताओगे? भाइयों बहनों, एक और काम करना है, करोगे? ये चुनावी काम नहीं है, करोगे? देखो ठंडे पड़ गए, ये चुनावी काम नहीं है, करोगे? ये मेरा निजी काम है, करोगे? पर्सनल काम बताता हूं, करोगे? सब करोगे? जो पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करें, वो भी करेंगे, जो धूप में खड़े हैं वो भी हाथ ऊपर करें, आप भी करेंगे? तो मैं बताऊं काम पक्का करोगे? अच्छा, आप एक काम करना, घर घर जाना, जाकर के नमस्ते करते हुए हर किसी को परिवार में कहना कि अपने मोदी जी भरतपुर आए थे। सबको बताना अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री मत कहना, मैं तो हर परिवार का बेटा हूं, जाकर के कहना अपने मोदी जी भरतपुर आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है। इतना कर दोगे? हर घर जाके कह दोगे
जब आप उनको कहोगे ना कि अपने मोदी जी ने आपको राम राम कहा है, हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा, हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब परिवार मुझे आशीर्वाद देता है तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है, मेरा दौड़ने का हौसला बढ़ जाता है, दिन रात काम करने का मन बना रहता है। ये आशीर्वाद एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम कहना और वो आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, एक नई शक्ति के साथ आपके लिए जुटा रहूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा में पधारे, प्रधानमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद, भरतपुर की जनता का धन्यवाद एवं आभार। आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मोदी क्या